मजे में है। तो फाइनली Xiaomi का Mi Note 10 Lite हमारे टेबल के ऊपर मौजूद है और यार काफी लंबे इंतजार के बाद ये डिवाइस हमारे टेबल के ऊपर आई है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से रिव्यू करने वाले हैं इस डिवाइस का। एक हफ्ता हो गया मुझे यूज करते हुए। 8GB 128GB का इसके अंदर वेरियंट है और साथ ही साथ हमें मिडनाइट ब्लैक कलर इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो अनबॉक्सिंग मैंने अलग से इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग अनबॉक्सिंग कर चुके हैं तो मेरा दुख नहीं बनता था बनाने का। तो इसलिए इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने अनबॉक्सिंग डाल दी। अगर तो वो पसंद आई है तो मुझे लाइक करके जरूर बताइएगा। तो डिटेल के साथ इस डिवाइस को देखते हैं और देखते हैं क्या ये डिवाइस 63,000 के अंदर वर्थ बाइंग है कि नहीं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं गुरु राणा। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। जी तो बात करें Xiaomi Mi Note 10 Lite की, तो यार ये रिव्यू नंबरिंग बेस होने वाला है। यानी हर कैटेगरी के अंदर मैं नंबर देने वाला हूँ इस डिवाइस को। इसके डिज़ाइन के ऊपर, इसके डिस्प्ले के ऊपर, इसके जो है वो बैटरी, इसकी परफॉर्मेंस और इसके कैमराज को मैं नंबर दूंगा और एंड पे जो है वो ओवरऑल इसको रिमार्क्स दूंगा। आउट ऑफ 5 नंबर दूंगा कि ये डिवाइस मेरे मुताबिक जो है वो 5 में से कितने नंबर ले पाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन के हवाले से। तो बात कर लें यार स्मार्टफोन के डिज़ाइन के हवाले से, तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का इसका हमें डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड किस्म की देखने को मिलती है आपको। प्रीमियम लुक ये स्मार्टफोन जो है वो प्रोवाइड करता है। फ्रंट और बैक के ऊपर हमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें यार सबसे पहले, तो यहाँ पर हमें जो है वो जो इसके बटन्स है काफ़ी क्लिकी हैं और काफ़ी प्रीमियम फील प्रोवाइड करते हैं। फोन के नीचे अगर देखें तो हमें जो है वो हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा। हमें जो है वो USB टाइप सी की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी और सिंगल स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगी। गेम खेलते हुए अगर आप इसको ब्लॉक करेंगे तो आपको जो है वो आवाज़ नहीं आने वाली, यानी सिंगल स्पीकर ग्रिल है। आपको फ्रंट स्टीरियो स्पीकर जो है वो इसका देखने को नहीं मिल रहा। उसके अलावा बात कर लें यार स्मार्टफोन के, तो इसके यार काफ़ी स्मूथ एजेस हमें देखने को मिलते हैं और आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आप जो है वो मिड रेंज का जो सेगमेंट का स्मार्टफोन है वो यूज़ कर रहे हैं। आपको टोटली प्रीमियम किस्म की ये स्मार्टफोन जो है वो फील प्रोवाइड करने वाला है। एक मसला जो इस डिवाइस के साथ आता है कि बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट हमें इसके ऊपर देखने को मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट कैच करती है ये डिवाइस। आपको या तो कपड़ा अपने साथ रखना पड़ेगा जो कि मैंने अभी इस वक्त अपने टेबल के ऊपर रखा हुआ है, और या फिर आपको ये जो है वो केस के साथ डिवाइस यूज़ करनी पड़ेगी तभी आप फिंगरप्रिंट से जो है वो इसके छुटकारा पा सकते हैं। उसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का हमें जो है ये स्मार्टफोन फील प्रोवाइड करने वाला है। एक और मसला इस डिवाइस का आता है कि यार ये डिवाइस जो है वो काफ़ी हैवी है और हमें जो है वो काफ़ी थिक भी ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। शायद इसकी बैटरी काफ़ी बड़ी है इसके अंदर, इस वजह से ये स्मार्टफोन जो है हमें काफ़ी थिक और हैवी देखने को मिलता है। लेकिन ये काफ़ी आपको जो है वो कुछ दिनों तक फील करवाएगा कि ये स्मार्टफोन जो है वो हैवी। आप गेम खेलते हुए आपकी जो रेस्ट वाली फिंगर है जिसके ऊपर आप जो है वो इसको रेस्ट करवाते हैं फ़ोन को, वो आपको दर्द करती हुई नज़र आएगी और आपको जो है वो काफ़ी मुश्किल होने वाली है गेम खेलते हुए भी। और अक्सर जो आप स्मार्टफोन यूज़ करते हुए रात को जब आप आधा घंटा एक घंटा स्मार्टफोन को यूज करेंगे तो आपकी ये फिंगर आपको बताएगी कि यार ये स्मार्टफोन काफी हैवी है और जो है वो काफी मसला करने वाला है इस फिंगर के साथ। तो मुझे समझ नहीं आ रही Xiaomi को इसके जो है वो वेट के साथ एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी। यहाँ पे हमें जो है वो अच्छा खासा वेट इसका रिड्यूस करना चाहिए था स्मार्टफोन का, लेकिन काफी थिक भी है ये डिवाइस और वेट भी काफी ज्यादा है। ये काफी इसका जो है वो मुझे इशू इस डिवाइस का लगा है कि आपको जो है वो काफी मुश्किल देने वाला है ये रेस्ट फिंगर। खासतौर पर आपको लाजमी बताती रहेगी कि ये डिवाइस काफी हैवी है। एक और चीज यहाँ पर मैं मेंशन करता जाऊँ यार, ये स्मार्टफोन थिक तो है लेकिन उसकी एक और अच्छी चीज निकल के आती है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कैमरा बम्प देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आपको जो है वो फील होगा कैमरा, लेकिन आपको बिल्कुल भी जैसे आजकल हमें जो है वो स्मार्टफोन्स के अंदर कैमरा बम्प देखने को मिलते हैं वैसा हमें कैमरा बम्प यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो इसकी थिकनेस की वजह से कैमरा बम्प जो है वो इसका छुप जाता है। फ्रंट के ऊपर हमें जो है वो ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी जो ठीक ठाक नॉच है और काफी जबरदस्त किस्म की हमें फील भी प्रोवाइड करती है। ओवरऑल स्मार्टफोन के हवाले से बात करें तो काफी जबरदस्त किस्म की हमें पॉजिटिव चीजें देखने को मिलती हैं। जबरदस्त किस्म की हमें जो है वो एजेस देखने को मिलते हैं जो
हमें काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करते हैं। कर्व स्क्रीन देखने को मिलती है फ्रंट और बैक दोनों से, हमें प्रीमियम किस्म की लुक जो है वो प्रोवाइड करता है स्मार्टफोन। हमें बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है। अगर इसके नेगेटिव की बात करें तो यार ये स्मार्टफोन काफ़ी हैवी है और काफ़ी थिक स्मार्टफोन निकल के आता है, जिसकी वजह से इसको मैं 5 में से 3 नंबर देने वाला हूँ डिज़ाइन के मामले में। डिस्प्ले की बात कर लें तो यार ये स्मार्टफोन का डिस्प्ले आपको बहुत ही कमाल का मिलने वाला है। 6.47 इंचज़ की हमें स्क्रीन मिलने वाली है और साथ ही साथ हमें जो है वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, यानी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमें कलर एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। 25 कलर्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। यूट्यूब के ऊपर आप जब वीडियो देखेंगे 1080p के ऊपर, तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का आपको जो है वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है ये स्मार्टफोन। आपको जो है वो 430 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, यानी सनलाइट के अंदर ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करने वाला है और आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट भी स्मार्टफोन के ऊपर डालेंगे तो ये फिर भी स्मार्टफोन जो है वो आपको क्लियर किस्म की जो है वो फील प्रोवाइड करेगा और आपको कोई भी जो है वो मुश्किल पेश नहीं आने वाली। और इसके अलावा बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यार यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा। उसके ऊपर जो स्किन देखने को मिलेगी वो आपको MIUI 11 की स्किन देखने को मिलेगी। पर्सनली तौर पे मैं ज़्यादा ह्यूज फैन नहीं हूँ MIUI 11 का, ज़्यादातर मैं स्ट्रॉक एंड्रॉइड किस्म के स्मार्टफोन मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये स्किन भी आपको ठीक ठाक किस्म की परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही है, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं है आने वाली। अगर तो आप पहले से यूज़ करते आ रहे हैं फिर तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है, लेकिन आप अगर नए स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा जो है वो शुरू के अंदर मुश्किल आने वाली है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की स्किन है। उसके अलावा बात करें प्री इंस्टॉल ऐप की, तो यहाँ पर आपको जो है वो कुछ प्री इंस्टॉल ऐप भी देखने को मिलेंगी, गेम्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगी जो बाद में आप जो है वो अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ साथ बात करें इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के हवाले से, तो बहुत तेज नहीं है इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, लेकिन आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल इसके डिस्प्ले के हवाले से बात करें तो यार काफी सॉलिड किस्म का इसका डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, काफी पंची कलर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं रेट करना चाहूँ इसके डिस्प्ले को तो 5 में से 4 नंबर दूंगा, क्योंकि इस बजट रेंज के अंदर मेरे ख्याल से काफी जबरदस्त किस्म की हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी डिस्प्ले के मामले में। बात कर लेते हैं यार स्मार्टफोन की बैटरी के हवाले से, तो यार यहाँ पर हमें जो है वो काफी मॉन्स्टर बैटरी देखने को मिलेगी। 5260 mAh की बैटरी है जो कि काफी सॉलिड किस्म की आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है, लेकिन इस बैटरी की वजह से आपको एक जो है वो इशू फेस करना पड़ेगा आपको इसकी थिकनेस का, यानी स्मार्टफोन के अंदर जो थिकनेस है उसकी एक बड़ी वजह इसकी बैटरी भी निकल के आती है। यहाँ पर हमें जो है वो काफी बड़ा साइज देखने को मिलता है बैटरी का, जिसकी वजह से मोबाइल की थिकनेस भी आपको जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। ओवरऑल बात करें यार इसकी बैटरी के हवाले से, इसकी फास्ट चार्जिंग के हवाले से, तो यहाँ पर हमें जो है वो 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, जो आपके स्मार्टफोन को 1 घंटा 20 मिनट से 1 घंटा 25 मिनट के दरमियान जो है वो 0 to 100% चार्ज कर देगी। और पर्सनली बात करूँ तो यार स्मार्टफोन के अंदर मैं ज्यादा गेमिंग वगैरह नहीं करता, एवरेज किस्म का यूजर हूँ मैं, ज्यादातर मेरा टाइम जो है वो सोशल मीडिया पर या फिर यूट्यूब वगैरह पर ही गुजरता है, तो वीडियोज वगैरह के अंदर मेरा टाइम गुजरता है। तो यहाँ पर मेरे नजदीक इस बैटरी को जो है वो 1.5 से 2 दिन आराम से निकल जाते हैं। अगर एवरेज यूजर है मेरी तरह आप लोग तो आपके 1.5 से 2 दिन आराम से निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप गेमिंग करते हैं बहुत ज्यादा गेमिंग करते हैं तो फिर आपकी बैटरी जो है वो तकरीबन 1 दिन जो है वो आराम से निकाल जाएगी, दूसरा दिन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, दूसरे दिन तक आपकी बैटरी जो है वो 20 से 25% तक रहेगी, आपको दोबारा चार्ज करना पड़ेगा ये फोन। तो ओवरऑल बैटरी के हवाले से बात कर लें तो यार स्मार्टफोन के अंदर काफी सॉलिड किस्म की आपको बैटरी मिल रही है, नो डाउट काफी जबरदस्त किस्म की बैटरी है और आपको जो है वो कोई भी टेंशन नहीं आने वाली बैटरी की तरफ से, तो कोई टेंशन नहीं आने वाली स्मार्टफोन को लेकर। तो यहाँ पर जो है मैं स्मार्टफोन को जो नंबर देने वाला हूँ वो 5 में से 4 नंबर दूंगा बैटरी के मामले में। तो अब बात कर लेते हैं कुछ स्मार्टफोन के कैमरा से रिलेटेड, तो कैमरा के अंदर ये स्मार्टफोन किस तरह की परफॉर्मेंस जो हमें प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसके कैमरा UI की, तो यहाँ पर हमें जो है वो काफी अच्छा कैमरा UI देखने को मिलता है, आपको क्लीन UI देखने को मिलता है, ज्यादा कुछ यहाँ पर आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर देखने को नहीं मिलता। आपको जो है वो नीचे इसकी ऑप्शंस देखने को मिल जाती है, पोर्ट्रेट मोड है 64 मेगापिक्सल, आप अलग से जो है वो 64 मेगापिक्सल के अंदर पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते हैं, फोटोज वीडियोस शॉर्ट वीडियो स्लो मोशन तक आपके जो है वो इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। ऊपर आपको जो है वो AI मोड देखने को मिल जाता है, HDR देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ आपको जो है वो सेटिंग्स के अंदर बाकी चीज़ें भी देखने को मिल जाती है। तो कैमरा UI बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसकी कैमरा परफॉर्मेंस के हवाले से, तो यार अगर बात करें इसके सिंपल 64 मेगापिक्सल की पिक्चर्स की, तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की हमें जो है वो पिक्चर्स प्रोवाइड करता है ये स्मार्टफोन, ट्रूली 64 मेगापिक्सल की हमें जो है वो पिक्चर प्रोवाइड करेगा। आपको काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो यहाँ पर कलर एक्यूरेसी भी देखने को मिल जाएगी, कलर्स वगैरह आपको जो है वो काफ़ी पंची देखने को मिलेंगे पिक्चर्स के अंदर, और आपको जो है वो नेचर के करीब जो है वो पिक्चर देखने को मिलेगी, यानी नेचुरल पिक्चर जो है ये स्मार्टफोन आपको क्लिक करके देने वाला है। उसके अलावा बात करें इसके पोर्ट्रेट मोड के हवाले से, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी अच्छी पिक्चर क्लिक करके दे रहा है, बैकग्राउंड ब्लर इसका काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का आएगा, जो आप बाद में भी जो है वो ऐप के जरिए इसको एडजस्ट करते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ निकल के आती है। तो यहाँ पर जो है वो डेप्थ सेंसर जो है इसका काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है और यहाँ पर हमें जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाते हैं। वीडियो के अंदर भी ये स्मार्टफोन काफ़ी सॉलिड किस्म की हमें वीडियो रिकॉर्ड करके दे देता है। स्टेबलाइजेशन में इतनी कोई खास हमें जो है वो अच्छी स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलती वीडियो की, लेकिन वीडियो क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है। आप 4K वीडियो तक यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड के ऊपर जो है इसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन वीडियो स्टेबलाइजेशन के अंदर आपको थोड़ा सा इशू देखने को मिल
मिलता है, इतनी अच्छी स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलती इस वीडियो इस कैमरा के अंदर। उसके अलावा स्लो मोशन इफेक्ट की बात कर ले तो यार यहाँ पर आपको डिसेंट स्लो मोशन देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको रेडमी नोट 9 प्रो के अंदर देखने को मिलता है, वैसा ही किस्म का आपको जो है यहाँ पर स्लो मोशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है वो 920 FPS तक जो है वो स्लो मोशन के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। मेरे ख्याल से काफी डिसेंट किस्म का इसका जो है वो स्लो मोशन निकल के आता है। तो नाइट मोड के हवाले से बात करें तो यार नाइट मोड बैक कैमरा के ऊपर ही हमें सिर्फ देखने को मिलेगा और काफी अच्छे तरीके से वर्क करता हुआ नजर आएगा। आप इसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि बिल्कुल अंधेरे को चांदना करके दे देगा आपको, लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो डिसेंट किस्म की जो है वो आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा। अगर थोड़ी बहुत रोशनी है कहीं पे और उसको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप पिक्चर्स लेंगे तो वो आपको ठीक ठाक किस्म का उसको क्लियर करके दे देगा, आपको जो है वो नाइट मोड यहाँ पर काफी बेहतर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें रेडमी नोट 9 प्रो या वीवो V19, उससे बेहतर यहाँ पर आपको जो है वो नाइट मोड यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैक्रो लेंस के हवाले से बात करें तो यार मैक्रो लेंस ठीक ठाक किस्म की परफॉर्मेंस देता है, बहुत अच्छी कोई परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिलती। 2 MP का मैक्रो कैमरा इसके अंदर देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आपको गुजारे के लाइक जो है वो पिक्चर्स देखने को मिल जाएगी। कंपटीशन में जिस तरह के स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, वीवो V19 है, ओप्पो रिनो 3 प्रो है, तो उस जैसी पिक्चर्स हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कोई पिक्चर हमें मैक्रो मोड के अंदर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और उसके अलावा बात करें अगर फ्रंट कैमरा की तो यार फ्रंट कैमरा भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की हमें परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। जितने भी स्मार्टफोन इस वक्त हमें इस बजट रेंज के अंदर 16 MP का कैमरा प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरे नज़दीक उन सबसे बेहतर यहाँ पर हमें जो है वो सेल्फीज देखने को मिलेगी स्मार्टफोन के अंदर। AI कैमरा होने वाला है तो यानी आपको काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज यहाँ पर हमें जो है वो फ्रंट कैमरा के अंदर नाइट मोड देखने को नहीं मिल रहा, स्लो मोशन इफेक्ट फ्रंट कैमरा के अंदर देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी ये स्मार्टफोन जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का हमें जो है वो फ्रंट मोड देखने को मिल जाता है। अगर फ्रंट मोड की अगर पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो वहाँ पर भी हमें जो है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है, यानी फ्रंट मोड के अंदर भी ये स्मार्टफोन जो है हमें बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। अपने जितने भी इसके जो है वो कंपटीशन के अंदर स्मार्टफोन आते हैं उनसे बेहतर ही परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। तो ओवरऑल स्मार्टफोन के कैमराज के हवाले से बात करें तो यार काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के कैमराज देखने को मिलते हैं। पर्सनली तौर पर काफ़ी इंप्रेस किया है, पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलती है, उसके अलावा वीडियो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। स्टेबलाइजेशन में थोड़ा सा इशू करता है ये स्मार्टफोन, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक हमें जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है, हमें पोर्ट्रेट मोड भी अच्छे देखने को मिलते हैं, फ्रंट कैमरा भी इसका काफ़ी ठीक ठाक है। तो मैं स्मार्टफोन को 3.5 स्टार देने वाला हूँ 5 में से कैमराज के मामले में। परफॉर्मेंस और इंटरनल्स के हवाले से बात कर ले तो यार ये स्मार्टफोन इस कैटेगरी के अंदर भी रॉक करने वाला है। यहाँ पर हमें जो है वो स्नैपड्रैगन 730G का चिपसेट देखने को मिलेगा, LPDDR4X की रैम देखने को मिलेगी, साथ ही हमें जो है वो UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो है वो हमें रॉक किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो काफी सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। गेमिंग के हवाले से यह स्मार्टफोन काफी सॉलिड किस्म की हमें गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। 1 घंटा S4 Ignite इस स्मार्टफोन के अंदर मैंने खेली और जरा भी लैग नहीं देखने को मिला, जरा बराबर भी यहाँ पर आपको हीटिंग का इशू नहीं देखने को मिला, यानी काफी 1 घंटा यूज करने के बाद भी, 1 घंटा गेमिंग करने के बाद भी ये स्मार्टफोन काफी कूल रहा था और मुझे नहीं कहीं पर भी जो है वो हीटिंग इशू नहीं होता। आमतौर पर कैमराज के ऊपर जो हमें थोड़ी थोड़ी हीट महसूस होती है, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर हमें वहाँ पर भी जो है वो हीट देखने को नहीं मिली। तो काफी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस है यहाँ पर, हमें हर कैटेगरी के अंदर जो है वो ये स्मार्टफोन काफी बेहतर परफॉर्म करता आ रहा है। तो परफॉर्मेंस के अंदर भी यहाँ पर हमें जो है वो काफी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। तो 730G का जो चिपसेट है बेसिकली गेमिंग चिपसेट है और यहाँ पर हमें जो है वो गेमिंग स्मार्टफोन के अंदर बहुत ही सॉलिड किस्म की देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के हवाले से बात करूँ तो यार स्मार्टफोन को मैं डेफिनेटली 5 में से 4 नंबर देने वाला हूँ और यहाँ पर हमें जो है वो इस बजट कैटेगरी के अंदर मुझे नहीं लगता इससे बेहतर हमें कोई स्मार्टफोन जो है वो परफॉर्मेंस कर प्रोवाइड करने वाला है। तो यहाँ पर हमें काफ़ी सॉलिड किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, तो 5 में से 4 नंबर परफॉर्मेंस के लिए। तो यार ओवरऑल स्मार्टफोन के हवाले से बात कर लेते हैं, मेरे नज़दीक यहाँ पर जो है वो बहुत ही सॉलिड ऑप्शन निकल के आती है इस बजट कैटेगरी के अंदर। यहाँ पर हमें जो है वो हर कैटेगरी के अंदर ये स्मार्टफोन बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस के हवाले से, इसकी बैटरी के हवाले से, इसके कैमराज के हवाले से, इसके डिस्प्ले के हवाले से, डिज़ाइन भी स्मार्टफोन का हमें काफ़ी हद तक बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की देखने को मिल जाती है। तो हर कैटेगरी के अंदर ये स्मार्टफोन हमें काफ़ी सॉलिड किस्म की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। तो इसलिए स्मार्टफोन को मैं 5 में से 3.7 नंबर जो है वो देने वाला हूँ, जो कि काफ़ी सॉलिड किस्म का नंबर जो है वो निकल के आता है। 3.7 नंबर यानी हर कैटेगरी के अंदर ये स्मार्टफोन जो है वो अच्छे नंबर स्कोर करता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे नज़दीक ये स्मार्टफोन जो है वो 5 में से 4 नंबर जो है वो बहुत डिजर्व करता है, लेकिन इसकी जो डिज़ाइन है और इसका जो हैवी और थिकनेस है उसकी वजह से थोड़े नंबर जो है वो इसके कम हो गए हैं, लेकिन अदरवाइज ये स्मार्टफोन जो है वो बहुत ही सॉलिड किस्म का स्मार्टफोन है। तो अगर आप 60,000 के अंदर कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो मैं डेफिनेटली स्मार्टफोन को जो है वो रिकमेंड करने वाला हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। तो मेरे नज़दीक टोटली येस है, आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। दिस इज सैफराना साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।